सुपरमार्केट में आए हैं, ये देखते हैं क्या क्या लेना है। सेल भी काफ़ी अच्छे हैं इनके पास ये मार्केट में, तो तरबूज तो यहाँ साल भर भी दिखता है। मैं आपको ये इंटरेस्टिंग ये बैगन दिखाता हूँ, बैगन देखो ये इज्जत ही नहीं कितनी पैकेट में आती है, बच्चे इंडिया में खाते नहीं 90-100 की। खीरे भी सही है, खीरे भी देखो यहाँ मिल जा रहे हैं ठंड में। ये कद्दू टाइप का ही सब्जी होता है, सब वेज वालों के लिए ऑप्शन है। अभी सुरेंद्र जा रहा है मैंगो दिखा, ये देखो इंडिया में जो 10-20 बिहार में महताबी मिलता है ना, ये गागल दिया महताबी, यहाँ बहुत महंगा है 250-300 का एक है। ये मैंगो सेक्शन, मैं आपको मैंगो दिखाता हूँ, रसिया का मैंगो मेनली। ये देखो सोना, ये रसिया का सोना 250 रुपये का एक पीस, मतलब रेट भी लिखा है। ये तो सेम आलू बुखार की तरह फल है, काफ़ी टेस्टी है। इससे में क्या है ना, अंगूर के खराब चीज़ यहाँ बीज होते हैं, तो अंगूर के शायद काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन बीज होते हैं, ये दिक्कत है, तो देखना पड़ता कौन सा। केला के हालत खराब, 30% में बेच रहे खराब कर ले ये लोग। केले, संतरे, अंगूर, संतरों का तो ऐसा वैरायटी जरूर रखते हैं ना रसिया में, पूछो मत। सुरेंद्र के हाथ में भी नहीं आ रहा है, वो संतरा इतना छोटा है उंगली के बराबर है। छीलेंगे क्या, खाएंगे क्या, सब बकवास है इसमें तो, पता नहीं कैसे खाते हैं। ये मेरे को पलम का हाइब्रिड लग रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ येलो पलम, इसे मैंने रेड ही देखा था। यहाँ कुछ भी मिल सकता है भाई साहब, इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ। अभी अनार में यहाँ मिल रहा है 200 का, ये स्थिति इसकी ख़राब दिख रही है। यहाँ अभी हम लोग ये रसिया में पालक ऐसे मिलता है रीला के रूप में, और ये पत्तियाँ भी हैं छोटे छोटे पत्ते गोभी, गाजर, फूल गोभी, सारे डीप फ्राई सब्जियाँ मिलती हैं, यही खाना पड़ता है यहाँ। और ये आप ये देख रहे हैं सारी सब्जियाँ पैकेट में, ये इधर भी ऑप्शन है, आप फूल गोभी जो भी देखो, मटर सारी ऑप्शन है यहाँ सब्जियाँ, गाजर रसिया में ही है, आपको डीप फ्राई सब्जियाँ ज़्यादा खानी पड़ती है। मैं ये मसालों का सेक्शन हूँ, और इसमें मुझे मेनली आटा चाहिए और बेसन चाहिए। ये रहा बेसन, ये दो दिन वाले पैकेट दिख रहे ना, ये बेसन होते हैं। इससे अंदर अभी बेसन उठा रहा है, और बाकी देखते हैं इनको आटा भी हमको देना है, तो ये आटा रहा भी ले लिया है यहाँ से। ये आटा सही रहता है फ्रांसिस का आया, और इधर आपको तेल दिख रहे होंगे, तेल भी यहाँ देखो, ये तेल के काफ़ी ऑप्शन है, मनली सूर्यमुखी के तेल ही मिलते हैं, 5 लीटर के डब्बे और 1 लीटर के डब्बे भी मिल जाते हैं। तो बस आप इंडिया से ना सिर्फ मसाले लाया करो, मसालों की ही दिक्कत है। अभी अपन हम चावल भी देख रहे हैं, ये दिख रहे हो इंडिया की तरह खुले खुले चावल भी मिल जाते हैं, खुले चावल हैं सब, सस्ते रहते हैं। अभी 150 का चावल चल रहा है, पास्ते का सेक्शन है, पास्ता सेवई सब। ये सुंदर ले रहा है, कितना लेता है, ये मटर का दाल ले रहा है। ये आप देख रहे हो यहाँ वैसे हमें मसूर की दाल भी मिल जाती है, कौन सा दाल है ये, हाँ देख सकते हो, ये भी ऑप्शन है आपको ना, सूजी भी मिल जाती है जिसे इंडिया में मिलती है। और यहाँ दाल में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, राजमा, मसूर, मूंग, आपको लगभग सब्जियाँ यहाँ मिल जाएंगी। मैं एक फल भी देख ही लेते हैं आया तो क्या क्या मिल रहा है, टमाटर का भी देख लेते, टमाटर तो अभी सही, टमाटर में तो आग लग गए, टमाटर में बैठे देख रहे हो अभी 200 किलो टमाटर ही चल रहे हैं। संतरे सही हैं, संतरे ना ठंड में काफ़ी ज़्यादा खाते हैं इसलिए बिल्कुल 150 में, बेबी बेबी संतरे हैं ये, हर दिन की ख़राब हो चुकी है। टमाटर तो पता नहीं कितने बड़े बड़े आते हैं, देखो तो यहाँ पालक ऐसे मिलते हैं पैकेट में, काफ़ी महंगे होते हैं, 100-90 का आपको ये पड़ रहा है 100 ग्राम। आपको भी फूल गोभी दिखाता हूँ, क्या मस्त इन्होंने फूल गोभी लाया है मार्केट में, मस्त दिख रहा है, 150 में काफ़ी अच्छा है।
150 रुपये और पीस है कि किलो है? 150 रुपये केजी है। सही है। यहाँ सारे मेथी, धनिया, पालक सब आपको यहाँ पैकेट में मिलेंगे। ब्रोकली, मशरूम, दो सब्जियों का ऐसा नहीं कि वेज वालों के लिए ऑप्शन नहीं है, नॉन वेज वाले खाने चाहे तो ऑप्शन है। ये देख रहे हो, ये तातरस्तान की बहुत फेमस मिठाई है चकचक। ये अपने बिहार में ना इसको लाई बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको यहाँ पसंद करते हैं कि रशिया से आए हो तो ये कम से कम ले ही के जाओ। छोटा बच्चा को देखो क्या मस्त बैठा है। अपन जाते हैं, आप बिलिंग कराते हैं, यहाँ पर सेल बिलिंग ही कराएंगे, आप खुद से भी सेल बिलिंग कर सकते हैं, ये हेल्प करेंगे यहाँ, बता रही हैं कैसे सेल बिलिंग कर सकते हैं। अपना सामान बस यहाँ दो, ये ऐसे यहाँ पर बस, यहाँ ड्राइंग कॉपी भी मिल जाती है। अबे हो गया। खीरा, बेसन, चीनी, चने के दाल और काफ़ी चीज़ें आइटम्स हो गए हमें ले तो काफ़ी हैं। अभी लोग खुद से भी बिलिंग कर सकते हो, काउंटर पर भी जा सकते हो।